तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं सोलन बस स्टैंड और अब यहाँ से बस लेंगे अड़की के लिए। तो देखते हैं आज की जर्नी कैसी रहती है यहाँ तक की। फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं कुनिहार और मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं खा रही थी अब यहाँ टिक्की। तो फ्रेंड्स इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब इतनी ज़्यादा धुंध है ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सामने बिल्कुल वाइट ही आज सब कुछ, और ठंड तो इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और अभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा मौसम, पर ठंड बहुत ज़्यादा है। अरे ये देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जो नज़दीक के घर है बस वही दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड्स सुबह के इतने ख़राब मौसम के बाद ना फाइनली इतनी अच्छी धूप आ गई है और मेरी कैट अभी खा रही है खाना धूप में बैठ के, और मौसम कुछ ऐसा है आप खुद ही देख लो, बिल्कुल साफ मौसम है और धूप बहुत अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ गुरदीप कौर और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और अभी मैं धूप सेक रही थी ना तो अब गर्मी लग गई तो अंदर आ गई रूम में। तो आजकल ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ करते हैं काम अभी, क्योंकि धूप बहुत सेक ली है, अब करते हैं कुछ काम। और फ्रेंड्स ये हमारी बालकनी जहाँ पे हमने लगाए हैं बहुत सारे फूल, मैंने ये लगाए, मेरी दीदी ने लगाए हैं बहुत सारे फूल। देखिए कितने सुंदर फूल हैं, मुझे इनमें से एक का नाम भी नहीं पता। ये देखो ये वाला तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, अंगूर टाइप। बहुत ही क्यूट सा फ्लावर, और इसके अंदर भी बहुत सारे फूल लगे हुए तो मैंने देखे नहीं थे। ये देखो काफी क्रिएटिव है दीदी। और ये देखो यहाँ पे एक और फूल, और यहाँ पे भी बहुत ही क्यूट फ्लावर्स हैं। और ये रस्सी का टुकड़ा पता नहीं कहाँ से आ गया, ये बेचारा भी उग ही रहा है। और ये पता नहीं कौन सा फूल है पर बहुत अच्छा है। और ये है यहाँ पे धनिया, जो कितने अच्छे से लग गया है। छोटी सी बास्केट जो हमारी खराब हो चुकी थी ना उसको हमने यूज किया है। अगर आपकी भी कोई ऐसी बास्केट खराब हो जाए तो आप उसे मिट्टी डाल के उसमें धनिया लगा सकते हो। ये देखो कितने अच्छा, देखो आप कितना अच्छा धनिया जो है यहाँ पे चला हुआ है। ये देखो, और ये हमारा मनी प्लांट जिसकी हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है ना तो फिर इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ये लगा है बॉटल में धनिया, ओ सॉरी पुदीना। ये देखो ये तेल की बॉटल थी जिसमें हमने मिट्टी और खाद डाल दी, और फिर जो पुदीने की जड़ें थी वो इसमें लगा दी, और अब जो है पुदीना चल पड़ा यहाँ पे। देखो कितना अच्छा जो है ग्रो हो रहा है ये। Thank you.
लोग फोन में इतने व्यस्त हो जाते कि उनको कुछ पता नहीं चलता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। और उदाहरण आपके सामने, खट्टे लेके आई आप? मैंने आपको खट्टे लाने को बोला था, कहाँ है खट्टा? अंदर किचन में। और फ्रेंड्स, ये कल पापा खजूर लेके आए थे, ये बच गए, चलो अभी ये खा लेते हैं थोड़े से। और फ्रेंड्स, मेरा मन कर रहा है धुपनी खाने का, तो छोलंग तो है नहीं हमारे पास, तो अरे वीडियो धुंधली आ रही है, हाँ तो छोलंग तो है नहीं हमारे पास, तो मैंने ले लिया ऑरेंज और इसमें मैंने डाल दिया धनिया, मिर्ची और नमक और थोड़ी सी चीनी। तो अब देखते हैं कैसा बनता है ये। अब हमने इसमें डाल लिया है एक खट्टा, देखो ऑरेंज की तो हमने बना दी चटनी, अब बारी है इसकी, देखते हैं कैसा बनता है। ये हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो गया है और अब हम इसमें लगाएंगे धुपनी। और ये हमें मिल गई है आग, अब इसको हम इसमें डाल देंगे कटोरी में। धुआं बाहर ही निकलता है। फ्रेंड्स, ये तैयार है हमारी धुपनी। अभी